तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को जो जानकारी देंगे गाइज, शायद ही आप लोगों को कहीं पे जानकारी मिला होगा। क्योंकि गाइज, इस वीडियो को अगर जो आप पूरा देखते हो तो काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है गाइज, आप लोगों के काम करने में। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज आप लोगों को कि जब आप घर बनवाते हो, ठीक है गाइज, जब आप घर बनवाते हो तो दो तरीके से घर बनता है गाइज। एक तो बनता है कलम के साथ यानी पिलर के साथ, और दूसरा घर बनता है विदाउट पिलर। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, पहला वाला नंबर की जो पिलर के साथ बनता है घर, वो मजबूती होता है, और दूसरा बिना पिलर वाला घर बनता है, भाई वो भी मजबूती है लेकिन कम मजबूती होती है। ठीक है, तो पिलर में क्या है कि गाइज, जैसे पिलर आप लोग बनाते हो, पिलर आप घर में दिलवाते हो, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर आप लोगों को पता है एक रड डाला होता है जो चार सरिये और प्लस में उसमें सीमेंट के साथ उसको मतलब पिलर को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है गाइज कि आपका जो घर की मजबूती है काफ़ी अच्छा से हो जाता है। ठीक है, वैसे ही गाइज जैसे कि छत, जब छत को सेटरिंग करते हैं, जब ढलाई होता है तो उसमें भी सरिया दिया जाता है, छज्जे में दिया जाता है, तो ये सब क्या है चीज़, ये सब मजबूती के लिए होता है सारा गाइज। ठीक है, लेकिन गाइज जैसे आप लोग पीओपी काम करते हो, पीओपी काम गाइज हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हो, लेकिन गाइज आप लोग नोटिस किए हो कि पीओपी के काम में जो कितना भाई लोग जो है उसमें बुरादे डालते हैं, जैसे कि बोरू का फार का डालते हैं। ठीक है, और हम लोग को गाइज यहाँ पे, हम लोग तो मतलब यहाँ पे उतना सुविधा नहीं है और हम लोग तरफ नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग का दूसरा पीओपी है गाइज, इसके वजह से हम लोग नहीं डालते हैं। यहाँ पे कहीं भी काम होता है हम लोग नहीं डालते गाइज, लेकिन गाइज हम लोग के एरिया को छोड़ के बाकी और सब एरिया में गाइज एक जो होता है जो धागे आते हैं गाइज, उस धागे को डाला जाता है। अगर जो गाइज वो धागा डाल देते हो आप, तो क्या होता है कि आपका जो मतलब फ्लावर का, जो कार्निश का, जो बेल का जो मजबूती है गाइज, काफ़ी अच्छा से बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों का सरिया, जैसे सरिया से आप लोगों का घर का मजबूती बनता है, उसी तरीके से गाइज आप लोगों को उस धागे से आपका कार्निश का, मोल्डिंग का और फ्लावर का मजबूती बन जाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो धागे हैं आप लोग खरीदेंगे कहाँ से, तो गाइज वो धागा खरीदने का भी आप लोगों को हम जुगाड़ बताएंगे कि आप धागा कहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज उस धागा को आप लोग खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए गाइज, आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर फ़ोन करके गाइज आप लोग भाई से बात करके जितना चाहिए आप लोग वहाँ से, भाई से आप लोग ऑर्डर करके खरीद सकते हैं। ठीक है गाइज, अब ये तो हो गया गाइज आप लोगों के मजबूती के लिए। दूसरा नंबर गाइज, अब जो धागा है उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं, और गाइज आप धागा देखिएगा कि ये धागा जो है वो किस तरह का धागा है। चलिए गाइज उसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज यही है धागा जो आप लोगों को हम बता रहे थे। ये धागा से क्या होता है गाइज कि काफ़ी अच्छा से आपका जो कार्निश का, मोल्डिंग का और फ्लावर का है मजबूती काफ़ी अच्छा से बन जाता है। इस धागे को आप देख सकते हो गाइज, ये समझ लो कि एक रेशम की धागा है, जैसे कि ये गाइज ये बाहर कंट्री से मंगाया जाता है गाइज, हालांकि इंडिया में मेरे ख्याल से इतना उत्पाद नहीं है इसका, ये बाहर कंट्री से भाई मंगाया है, और ये धागा जो है काफ़ी अच्छा धागा है। इस धागा से आपका जो कार्निश है, मोल्डिंग है गाइज, ये मतलब सालों साल चलेगा और वो टूटने का भी चांस नहीं रहेगा गाइज। ये तो हो गया सही गाइज इसका जो मजबूती का है। ठीक है गाइज, और क्या है कि गाइज कुछ लोग क्या करते हैं, दुकान पे अपना माल बना के बेचते हैं, तो मतलब विदाउट धागा आप बेचते हो तो गाइज उस बंदे को ले जाने में काफ़ी रिस्क हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो समझ लो कि टूटने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, लेकिन गाइज ये धागा लगा के अगर जब आप बना देते हो तो मतलब आपको कोई डर नहीं है गाइज, आप कहीं भी लेके जाओ टूटने का कोई चांस नहीं है। आप जितना मर्जी इसको मतलब दिन तक छत में लगा के रखो, गिरेगा भी नहीं गाइज, कितना फूल हो जाए आधा टूट के गिर जाता है, लेकिन ये धागा रहेगा तो गाइज आधा फूल टूट के कभी नहीं गिरेगा। ठीक है गाइज, आप लोग इस धागे को ध्यान से देखिए गाइज, आप लोग बोरू का मतलब टुकड़ा डालते हो तो उससे उतना मजबूती नहीं बनता है, लेकिन गाइज ये स्पेशलिस्ट बना है सिर्फ कार्निश, मोल्डिंग और फ्लावर के लिए, क्योंकि ये पीओपी के साथ ये काफ़ी अच्छा से ये मजबूती से पकड़ कर लेता है, जैसा सरिया पकड़ करता है सीमेंट, बालू और गिट्टी के साथ। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को जितना माल चाहिए गाइज, आप लोगों को जैसे मैं बताया कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दिए हैं,
और जितना भाई आप लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं, अदर कंट्री के भी रहने वाले हैं भाई, आप लोग एक बार भाई से फ़ोन करके आप लोग कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइज, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।